हेलो फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मटर और पनीर की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है और अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 3 साबुत मिर्ची डाल रही हूँ। इन्हें अच्छे से भूनना है और इसमें फिर 4-5 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालना है। इसे भी अच्छे से गरम कर लेना है। जब ये भुन जाए तो इसमें फिर 4-5 कली लहसुन की छीलकर साबुत डालनी है। इसे भी अच्छे से भूनने हैं। लहसुन हमारा भुन गया है, अब इसमें 2 प्याज कद्दूकस करके डाल देना है और इसे अच्छे से भूनना है। प्याज अब थोड़ा सा भुन गया है, अब इसमें हमें मटर डालनी है। मटर को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें नमक, 1 चम्मच नमक डालना है। फिर इसमें 2 टमाटर काट कर डालने हैं। अब इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालना है। और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। एक चम्मच धनिया पाउडर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। मटर और टमाटर को अच्छे से गलने देना है, तब तक इसे पकाना है। उसके बाद इसमें हमने इसमें पनीर डालना है। पनीर को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। अगर आपको नमक कम पसंद है तो कम डालें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और पनीर मसाला भी डालना है। थोड़ा सा पनीर मसाला डालकर इसमें फिर थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से चलाना है। कुछ देर पकने के बाद इसमें फिर हमें दूध डालना है। 1 गिलास दूध डालना है इसमें। दूध डालकर इसे अच्छे से पकने देना है और उसके बाद हमारी ये ग्रेवी जब तक गाढ़ी नहीं होती तब तक इसे पकाना है। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई।